अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि तमाम ऐसी वीडियोस आसानी आप तक पहुँच सकें। तो वेट किस बात का है, जल्दी से नीचे देखें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में स्कूलों के और दफ्तरों के औकात कर कम कर दिए जाते थे, यहाँ तक कि मसाजिद में शाम देर तक आधी रात के बाद नमाजों में तौसी की जाती थी। वाज़ह रहे कि माहिरीन फलकियात के मुताबिक 2 अप्रैल 2022 रमज़ान का पहला दिन होगा, लेकिन असल तारीख का तय्युन हिलाल का चांद देखकर किया जाएगा जिस पर इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखी गई है। माहिरीन फलकियात का कहना है कि रवान साल रमज़ान 1 मई तक 30 दिन जारी रहने की तवक्को है। इसका मतलब है कि 2 मई को ईद उल फितर के इस्लामी त्यौहार का पहला दिन होने का इम्कान है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। रमज़ानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार में 2 घंटे की कमी करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि गर्ल्स स्कूल 7:15 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:15 बजे हो जाएगी। इससे कबल बॉयज स्कूल में 2:45 और गर्ल्स स्कूल में 2:30 बजे छुट्टी होती थी। स्कूलों में नए औकात कार का इतलाक 1 रमज़ानुल मुबारक से होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पहले रमज़ान बहुत ही गर्मी के मौसम में आता था, जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती थी, और इस दफ़ा इतनी गर्मी भी नहीं होगी, होगी लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहले होती थी। और इसके अलावा बच्चों की जो टाइमिंग है वो भी कम कर दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, और फिर से कह रही हूँ कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब।